हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में पार्टी वेयर लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो मैंने 4.5 मीटर का प्लेन फैब्रिक लिया है। पहले इसमें से गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को ओपन करेंगे और फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका ये वाला साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। गाउन के टॉप पार्ट की लेंथ 14 इंच ले लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। वह दोनों साइड सिलाई में जाएगा तो 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसके दूसरे साइड भी 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कमर की फिटिंग 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और राउंड शेप में बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब फिटिंग की मार्जिन की मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे और इसके दूसरे साइड भी 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक विड 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर की ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। फ्रंट नेक की लेंथ 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे और बैक नेक की लेंथ 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे। अब फ्रंट नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। बैक नेक की भी सेम राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट की और फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसमें से बैक वाले पार्ट को निकाल देंगे। फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब इसके फ्रंट आर्म होल की और फ्रंट नेक की भी कटिंग कर ली है। अब इसको ओपन करेंगे। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, बस एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसमें से गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट के साथ कटिंग कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसमें से कोई भी एक कॉर्नर उठाएंगे और ट्रायंगल की शेप में फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब गाउन के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट सेट कर लेंगे। टॉप पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे और इसके साइड से मार्किंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा लेंगे। अब इंची टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। कॉर्नर पर टेप रखेंगे। कॉर्नर से और मार्किंग तक लेंथ है 11 इंच। कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे। कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और 11 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 37 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा।
तो इस मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 37 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों साइड मार्किंग कर लिए और एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और दोनों फैब्रिक के बीच में फोल्ड आ गया, इसको कट कर देंगे। अब गाउन के बॉटम पार्ट में जॉइंट लगाएंगे, तो फैब्रिक को गाउन के ऊपर हाफ इंच ऊपर रख दिया है, वो सिलाई में चला जाएगा। अब नीचे वाले फैब्रिक को फिंगर की हेल्प से फील करते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करके दिखाएंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है, एक साइड फोल्डेड साइड है और इसकी दूसरी साइड ओपन साइड है। स्लीव्स की रेडी लेंथ 17 इंच है, एक इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, तो 18 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी 18 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स की विड्थ 10.5 इंच है, आर्महोल साइड से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और फोल्डेड साइड से स्लीव्स के आर्म होल की शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क करेंगे। स्लीव्स की बॉटम साइड से विड्थ 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल वाली मार्किंग को मार्जिन वाले मार्किंग से मिला देंगे। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग कर ली है, अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स के फ्रंट साइड से हाफ इंच की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। मैंने ओरेब की स्ट्रिप कट कर ली है, जिसकी विड्थ 2 इंच है। इसको नेक पर अटैच करेंगे। फ्रंट नेक को राइट साइड से रख लिया है और ओरेब की स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करेंगे। ओरेब की स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करके नेक डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे। जैसे नेक का डिज़ाइन है ऐसे ही स्ट्रिप को रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट नेक के ऊपर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, उसके बाद इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फ्रंट नेक को रेडी कर लिया है, सेम तरीके से बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे। अब बैक नेक को रेडी करेंगे, ऊपर की साइड से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसके दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। मैंने दो डोरी रेडी कर रखी है, जहाँ पर मार्किंग कर रखी है वहीं पर दोनों डोरी को रख लेंगे। उसके बाद ओरेब की स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करके नेक डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बैक नेक को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे और दोनों के शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे। गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब गाउन के टॉप पार्ट को राइट साइड से रखेंगे और इस पर स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। स्लीव्स को दोनों साइड से इस तरीके से टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। गाउन के टॉप पार्ट पर दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है।
अब स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट को राइट साइड से रखेंगे, उसके ऊपर बॉटम पार्ट को उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और दूसरे पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच कर लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब गाउन को उल्टी साइड से टर्न कर लेंगे। गाउन को उल्टी साइड से टर्न कर लिया है और इसके ऊपर दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब दोनों साइड एज इट इज इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। गाउन के दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद एक बार और हाफ इंच फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लिया है और फाइनली प्लेन गाउन बनके रेडी हो गया है। इसमें मैंने लटकन भी बनाए हैं सेम फैब्रिक के। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।